नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। ईद का त्यौहार में इस बार फैन सलमान खान की फिल्मों का काफ़ी मिस कर रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सिनेमा घरों पर ताले लगे हुए हैं। इस साल ईद में सलमान की फिल्म राधे और अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होने वाली थी। ऐसे में दोनों एक्टर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। अक्षय कुमार की इस साल 3 फिल्में सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब और पृथ्वीराज चव्हाण रिलीज होने वाली है। इस साल अक्षय की पहली फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी। ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, हालांकि लॉकडाउन के कारण फिल्म को टाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्यवंशी का बजट 135 करोड़ है। सूर्यवंशी के बाद अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज इस साल दिवाली में रिलीज होने वाली है, हालांकि लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की शूटिंग ठप पड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सलमान खान की बात करें तो इस साल उनकी केवल एक फिल्म राधे ही रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा अगले साल ईद के मौके पर सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली पर रिलीज होती है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में त्योहारों में कई बड़ी फिल्मों का टकराना लगभग तय हो गया है। ईद और स्वतंत्रता दिवस बड़े त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस पर भुज प्राइड ऑफ इंडिया रिलीज होने वाली थी, अब ये दिसंबर में रिलीज होगी। सलमान खान और अक्षय कुमार की क्लैश दिवाली में हो सकती है। दिवाली में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चव्हाण रिलीज होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि क्या दिवाली में सलमान खान अपनी फिल्म राधे को रिलीज करते हैं। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ क्लैश हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।